आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कैसे अपने इंडियन गैस एजेंसी के खिलाफ शिकायत मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास भेज सकते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंत्रालय है। तो आप अपनी शिकायत हाईएस्ट लेवल पे भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी शिकायत मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास भेजनी है, तो उसके पहले आपको दो चीज़ करनी होगी जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। वो दो चीज़ आप करिए, और उसके बाद अगर आपको आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण नहीं होता, या आपको कुछ जो रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो उसके बाद आप अपनी शिकायत मंत्रालय को भेजिए। मैं आप इस कैसे किया जाता है मैं वीडियो में बताना चाहूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी को बताइए और उनसे बात कीजिए। अगर आपकी जो गैस एजेंसी है आपकी कोई हेल्प नहीं करती है और आपकी समस्या वैसी की वैसी ही धरी रह जाती है, तो फ्रेंड्स आपको अपनी गैस एजेंसी पे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वहाँ के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन इंडेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है indian.co.in। इस पे आ जाइए, इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, गिव फीडबैक लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गिव फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो एक अगला पेज खुलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको, जैसे आप एलपीजी के अगेंस्ट, मतलब सिलेंडर के, मतलब जो एजेंसी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर जो आपको प्रोवाइड कर रही है एजेंसी, उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आप एलपीजी पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एलपीजी पे क्लिक करेंगे, आपको फ्रेंड्स अब अगले पेज पे ये सिलेक्ट करना होगा कि आपको क्या समस्या है। तो देखिए, समझ लीजिए आपकी जो भी समस्या है, जैसे हो सकता है आपसे जबरन मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस वसूला जा रहा है, या फिर आपका सिलेंडर टाइम पे नहीं आता, बहुत लेट आता है, या फिर सिलेंडर में कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको, मतलब यहाँ पर इन कैटेगरी में देखनी है कि आपकी समस्या यहाँ लिस्टेड है कि नहीं है, और उसको सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल वीडियो में समझाने के लिए ये न्यू कनेक्शन स्लैश डीबीसी रिलेटेड ये सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स सब कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो जैसे समझ लीजिए, मैं यहाँ पर नॉट इनरोलिंग फॉर उज्ज्वला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पे अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, और ये जो मोबाइल नंबर है फ्रेंड्स, ये आपके जो आपको सिलेंडर के साथ बुकलेट मिली है, जिसमें आपका कंज्यूमर नंबर प्रिंट है, उस बुकलेट में ये मोबाइल नंबर पहले से छपा होगा, या फिर आपके कंज्यूमर नंबर से जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक्ड है उसको आपको यहाँ पर डालना है। इनके समझ लीजिए आपका मोबाइल नंबर नहीं है, या फिर समझ लीजिए बंद हो गया, या कुछ और प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप अपनी एलपीजी आईडी डालिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया है, और ये जो मोबाइल नंबर है मेरा कंज्यूमर नंबर से लिंक्ड है, तो मुझे यहाँ पर आगे वाले पेज में पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपके कंज्यूमर आईडी से मैच होना चाहिए, उसके साथ लिंक्ड होना चाहिए। एक बार फ्रेंड्स जब आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर मेरे जो कंज्यूमर नंबर से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जैसे नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ पहले से भरा हुआ आ गया है। बस मुझे यहाँ पर एक ईमेल आईडी वो एक्स्ट्रा पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। तो इस ईमेल पे हो सकता है मुझे आगे चल के एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर मिल जाए। उसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे ये नीचे देख रहे हैं, जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नेम भी दिख जाएगा, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपका जो गैस कनेक्शन इस एजेंसी से लिया हुआ है। तो आप इसलिए अपना मोबाइल नंबर या फिर कंज्यूमर नंबर सही तरीके से डालिए इस पेज पे, ताकि आपको ये सब डिटेल मैन्युअली सिलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो आपको बड़ा सा डब्बा दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, इस पे आप पूरी जानकारी भरिए आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड, मतलब आपको जो भी समस्या हुई है आप इस डब्बे में अच्छे से उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में, या फिर इंग्लिश में, या फिर हिंदी में लिखिए। और साथ साथ में अगर फ्रेंड्स आपके पास, समझ लीजिए, कुछ अटैचमेंट है, मतलब आपको अपनी कंप्लेंट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना है, जैसे हो सकता है वो फ़ोटो हो सकती है, या फिर कोई रसीद हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो ऐड अटैचमेंट ये जो लिखा हुआ है, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपनी फाइल को
इस अपनी कंप्लेंट के साथ अटैच कीजिए। और एक बार जब ये सब डिटेल आपने भर लिया, अटैच कर दिया, सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपको एक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और वो आपको ईमेल के थ्रू और साथ साथ में मोबाइल में जो एसएमएस है उसके थ्रू मिल जाएगा। अब उसके बाद आप फ्रेंड्स कुछ दिन का समय दीजिए, देखिए कि इंडेन का जो बड़ा ऑफिस है क्या करता है कार्रवाई, तो थोड़ा टाइम दीजिए और देखिए कि क्या होता है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए। इनके समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती या फिर आपको जो रिजोल्यूशन मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। तो फ्रेंड्स अब अपन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास कंप्लेंट भेजेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास अगर आपको कंप्लेंट भेजना है तो उसके लिए आपको pgportal.gov.in इस वेबसाइट का यूज़ करना होगा। बस एक बात का ध्यान रखिए कि इस वेबसाइट में रजिस्टर करने के बाद आपको इंडेन के अगेंस्ट यानी कि अपनी गैस एजेंसी के अगेंस्ट जो कंप्लेंट भेजनी है वो भेजनी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास। तो फ्रेंड्स अगर आपको pgportal.gov.in पे अपनी शिकायत रजिस्टर करना है तो उस केस में सबसे पहले आपको इस साइट पे आके अपना अकाउंट बनाना होगा। तो फ्रेंड्स इसके पहले अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं था, पर अभी पिछले कुछ महीने पहले लोगों ने अपने साइट में कुछ चेंजेस किए हैं और अब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लिक हियर टू रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी, तो जो भी डिटेल्स यहाँ पूछिए उसको आप सही तरीके से भरिए। गलत डिटेल या इनएक्यूरेट डिटेल मत भरिए, हो सकता है नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो। तो देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और ये सब और भी कुछ चीज़ें डालनी है जो यहाँ पर इस फॉर्म में पूछी हुई है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और ये है कि आपको जो अपना लॉगिन आईडी है यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप अपने ईमेल एड्रेस को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं कि अपने मोबाइल नंबर को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ईमेल एड्रेस को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं जो आप यहाँ पर डालेंगे तो इस ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट कीजिए। इनकेस अगर आप अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर एंटर कीजिए 10 डिजिट मोबाइल नंबर, उसके बाद ये मोबाइल नंबर को अपना लॉगिन आईडी बनाइए। इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद फ्रेंड्स आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपका जो भी आपने डिटेल डाली है वो सही है तो आपके ईमेल एड्रेस पे और मोबाइल नंबर पे कुछ वेरिफिकेशन लिंक भेजी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पर जो भी ईमेल एड्रेस अपना यूज़ करेंगे उस पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगी और आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसको आपको अपने अकाउंट में पहली बार लॉगिन करते समय एंटर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगी और आपके मोबाइल नंबर में एक वन टाइम पासवर्ड या फिर मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड जाएगा। तो फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस में जो आपके वेरिफिकेशन लिंक गई है उसको आपको क्लिक करना है और अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है इस साइट के साथ। और आपके मोबाइल नंबर पे जो एक वन टाइम पासवर्ड आया है या फिर मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड आया है तो उसको आपको जब आप पहली बार अपने अकाउंट पे pgportal.gov.in के अकाउंट पे लॉगिन करेंगे तो उस मोबाइल वेरिफिकेशन कोड को डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस और मोबाइल वेरिफिकेशन कोड डालना बहुत ज़रूरी है, बिना इनके आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सही तरीके से डालिए और आपको यहाँ पर अपना अब जो लॉगिन करना है यहाँ से करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने अगर अपना यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस रखा होगा तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालिए, अगर आपने मोबाइल नंबर रखा होगा तो आपने यूज़र नेम की फील्ड में ये जो दिख रही है इसमें मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा उसको यहाँ पर डालिए, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालिए, ये जो कैप्चा दिख रहा है 3965854 इसको यहाँ पर टाइप कीजिए और लॉगिन कीजिए। आपके केस में हो सकता है कैप्चा कुछ और दिखेगा। एक बार जब आप लॉगिन हो जाएंगे फ्रेंड्स तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके ब्राउज़र पे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको अब अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, तो यहाँ पर देखिए लॉज पब्लिक ग्रीवेंस लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिए।
इसके बाद फ्रेंड्स ये जो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए कि आपकी जो ग्रीवेंस है या कंप्लेंट है इन मैटर से रिलेटेड तो नहीं है। अगर इन मैटर से रिलेटेड होगी तो आपकी जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए ये चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए और सबमिट। अब फ्रेंड्स अगले पेज पे आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद फ्रेंड्स जैसा कि मैंने इस वीडियो के पहले बताया कि अपन किस डिपार्टमेंट को अपनी कंप्लेंट भेज रहे हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पूरे पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं डिपार्टमेंट हैं उनकी पूरी लिस्ट है। तो इस वीडियो में जिस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का नाम मैंने आपको बताया है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपनी कंप्लेंट टाइप करनी है। ये जो बड़ा सा एक बॉक्स है इसमें अपनी कंप्लेंट टाइप करनी है और मैं यही बोलूँगा जितना इन्फॉर्मेशन आप दे सके उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इन केस अगर आपने पहले कुछ इसके पहले कंप्लेंट फाइल की थी मतलब इसी पोर्टल पे तो उस केस में आप उसका रेफरेंस नंबर या फिर जो कंप्लेंट नंबर है वहाँ डाल सकते हैं। साथ साथ में पिछले कंप्लेंट की जो डेट थी या फिर पिछला जो रेफरेंस था आपका नंबर था उसकी जो डेट थी उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ चूज़ फाइल जो लिखा हुआ है इस ऑप्शन या बटन का यूज़ करके आप एक पीडीएफ फाइल 4 MB तक के अटैच कर सकते हैं और अपनी जो कंप्लेंट है जो आप यहाँ पर इस डब्बे में टाइप करेंगे उसके साथ भेज सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ फाइल रहेगी ये मतलब आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है जो आप को लगता है कि लगाना चाहिए तो आप उसको स्कैन कीजिए या तो एक स्कैनर का यूज़ कीजिए या फिर स्मार्टफोन में कैम स्कैनर नाम का सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ करके आप स्कैन्ड फाइल अपलोड कीजिए पीडीएफ फाइल क्रिएट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कीजिए। और एक बार जब आपने सब डिटेल डाल ली है और आप सेटिस्फाइड है कि आपने पूरी तरीके से अपना जो कंप्लेंट है उसको लिख लिया है सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स एक बार जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका कंप्लेंट का एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और जब वापस आप इस होम बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस टाइप के अपने अकाउंट के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी मेरा कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं पर आप जो कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे उसके मिनिस्ट्री के हिसाब से या डिपार्टमेंट के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखेगा। जिस दिन आपने शिकायत की थी वो तारीख यहाँ पर दिखेगी। और अगर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने आपकी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया है तो उसकी तारीख यहाँ पर दिखेगी। साथ साथ में फ्रेंड्स अगर आप अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड कुछ रिमाइंडर लॉज कराना चाहते हैं तो इसी पेज में आपको दिखेगा। साथ साथ में अगर आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स या उसका भी बटन इसी पेज पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।